हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए आज के गेम प्ले के बारे में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आज का गेम प्ले होने वाला है फाइंडिंग आयरन, और वी कैन से दैट स्पीड रन फॉर आयरन। और इस आयरन स्पीड रन में हमें वाटर को टच करने का सिर्फ दो चांस है। उस दो चांस में अगर तीसरी बार मैं टच किया तो आई विल डाई। तो फ्रेंड्स, तो आर वाई जेड प्लेयर्स बी रेडी एंड लेट्स सी द गेम। चलिए अब गेम को शुरू करते हैं। गेम रूल्स पूरा हो चुका है, तो चलिए हमने गेम को बना चुका है हार्ड कोर और क्रिएट वर्ल्ड हो चुका है, और हमारा टाइमर अब शुरू हो जाएगा। और मैंने बस टाइमर शुरू हो चुका है, अब चलिए हम लोग को यहाँ पे जल्दी से स्पीड रन शुरू करना है। तो मैंने 5 सेकंड में स्पीड रन शुरू कर दिया है, और क्या है कि अब मुझे स्पीड रन के दौरान मुझे चाहिए होंगे जो कि नेसेसरी है, जो कि है वुड। और मुझे चाहिए होगी वुड से मैं बनाऊंगा क्राफ्टिंग टेबल के बाद मैं बनाऊंगा जो होता है स्टोन से पिकैक्स, और स्टोन के पिकैक्स से मैं आयरन लूँगा। तो जल्दी से अभी क्या है कि मुझे ना जल्दी से वुड चाहिए होंगे जितने में मैं स्टिक बना लूँ और जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लूँ। तो यहाँ हमारा वुड हो चुका है पूरा, और जल्दी से मुझे यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो प्लैंक मैं प्लैंक पर बदल चुका हूँ, और जल्दी से यहाँ पर मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल पर मुझे एक यहाँ पे। तो यहाँ हमारा क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है, और जल्दी से मुझे क्राफ्टिंग टेबल पुट करके मुझे जल्दी से यहाँ पे एक स्टिक बनाना पड़ेगा, स्टिक बनाने के लिए यहाँ। और यहाँ मेरा स्टिक रेडी हो चुका है, और जल्दी से एक पिकैक्स। और दोस्तों, आपने कहा होगा कि मैं एक्स नहीं बना रहा, तो दोस्तों एक्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले पिकैक्स स्टोन तोड़ लूँगा और सीधे मैं स्टोन का एक्स बना लूँगा। तो चलिए जल्दी से स्टोन को ढूंढते हैं। और दोस्तों, तो मुझे यहाँ स्टोन मिल चुका है। स्टोन के लिए मुझे शायद पिकैक्स और एक्स को मिलाकर टोटल मुझे सिक्स मुझे चाहिए होंगे। तो 5 यहाँ हो चुका है, और यहाँ 6 कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई खराबी नहीं है, और यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या है कि यहाँ पे रख कर यहाँ पर, और यहाँ पे 3 यहाँ, एक यहाँ, और एक 3 साइड में 3 ऊपर। हाँ, यहाँ पे रखने के बाद मुझे एक शायद एक पिकेक्स भी चाहिए होंगे। तो पिकेक्स के लिए मेरे पास जो है वो है स्टिक नहीं है, तो स्टिक मुझे बनना चाहिए। स्टिक हो चुका है, और स्टिक अब मुझे क्या है कि अब ऊपर से एक ऊपर रखना पड़ेगा इस स्टोन, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और यहाँ हमारा एक्स रेडी हो चुका है, अब इसे तोड़ते हैं और चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो ऊपर के लिए अब मुझे क्या है कि अब मुझे जाना पड़ेगा एक केव के, क्योंकि केव में मैं कम टाइम में जल्दी से आयरन ढूंढ पाऊंगा। तो यहाँ पे ओए पिगली मर जा। तो यहाँ पे एक पिग मर चुका है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम लिया। ये 2 शॉट में मरेगा, 1 शॉट हो चुका है, और ये दूसरे शॉट में मर जाएगा। ये मर चुका है, और यहाँ पे हमारा एक हर चैलेंज पूरा हो चुका है कि 2 शॉट में पिगले पिग को मारना है। तो यहाँ हमारा कोई चैलेंज नहीं था, मगर फन के लिए था। तो चलिए हम लोग जल्दी से, एक केव मुझे मिल चुका है जो कि वहाँ पे दिख रहा है मुझे एक केव। तो क्या है कि मुझे वाटर टच करना नहीं है, तो मैं जल्दी से ये जितने मेरे पास 8 जो प्लैंक हैं, इन 8 प्लैंक को मैं लगा कर वो केव तक जाऊँगा। तो एक यहाँ लग गया, 5 4 3 2 1, ये 0, यहाँ से मेरा ख़त्म हो चुका है। और मैं सोच रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल में लगा लूँ, क्राफ्टिंग टेबल में मुझे काम नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल मैं बाद में बना लूँगा। और क्या कि मुझे ना ग्रेवल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेवल वापस गिर जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक ग्रेवल के कारण यहाँ पे मेरा एक बार चांस जा चुका है। अब क्या कि मुझे जल्दी से एक मर्ड चाहिए होगा। मर्ड, ये 3 मर्ड, ये 4 मर्ड, यहाँ में हमारे पास 4 मर्ड हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे रास्ता बन चुका है, अब चलिए जल्दी से केव में चलते हैं और ढूंढते हैं आयरन। और मुझे कुछ यहाँ पे स्पाइडर दिख रहे हैं, जो कि आपको भी दिख रहे होंगे। तो क्या है कि मुझे आयरन मिल चुका है, बस इसे स्पाइडर को मारना है। और ये स्पाइडर मर चुका है, और चलिए आयरन को ढूंढते हैं। और आयरन, यहाँ मुझे 3 आयरन सीधे मिल चुके हैं। तो चलिए अब आयरन को और ढूंढते पकाते हैं जितना मैं मिलता है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे थोड़े और वुड चाहिए होंगे। तो यहाँ मेरे पास 2 वुड आ गया, या 3 वुड्स आ गया, और जो थोड़ा सा और वुड चाहिए होगा जो कि मुझे ऊपर जाके मिल जाएगा। यहाँ पे भी वुड आ गया, यहाँ पे भी वुड आ गया, और यहाँ पे भी वुड आ गया, यहाँ पे भी वुड आ गया, और यहाँ पे सीधे मेरे पास प्लैंक हो चुके 24। और यहाँ पे क्या कि मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और यहाँ क्राफ्टिंग टेबल भी रेडी है। और क्या कि मुझे अब बस फर्नेस बनाना है, जिसके लिए मुझे मेरे पास वो नहीं है, स्टोन्स नहीं है, जिसके लिए मुझे स्टोन्स चाहिए होंगे।
स्टोन्स के लिए मुझे नीचे जाना होगा। चलिए स्टोन्स के लिए मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मुझे स्टोन्स फिर से मिल चुका है। मुझे शायद लगता है कि इस वर्जन में स्टोन्स बहुत जल्दी मिलते हैं और यहाँ भी मेरा स्टोन्स रेडी हो चुका। और पाँच आयरन का जो चैलेंज था अब वो पूरा हो जाएगा और मेरे पास चार आयरन हो चुके हैं, तो पाँचवा आयरन के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा जो कि वहाँ पर रखा हुआ है। चलिए उसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने पाँच आयरन तोड़ लिया, पाँच आयरन से कुछ ज़्यादा ही आयरन है, फिर भी कोई बात नहीं, तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे मेरा ये भी पूरा हो चुका है। अब चलिए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर हम लोग फाइनली आ चुके दोस्तों। जो हम क्या है कि हमें फर्नेस बनाना पड़ेगा, बीच में गैप छोड़कर बाकी सब जगह मुझे भरना होगा स्टोन से, क्योंकि इसका रेसिपी है फर्नेस का। चलिए तो फर्नेस बन चुका है। अब जल्दी से क्या है कि मेरे पास अभी कोल है नहीं, तो मैं वुड से पका लूँगा और यहाँ पे पाँच आयरन से पकना है इसलिए वुड से हो जाएगा। और क्या है कि मुझे ना जल्दी से एक वुड चाहिए होगा, कि मुझे बहुत सारे वुड चाहिए होंगे क्योंकि मुझे चेस्ट बनाना है और चेस्ट बनाने के लिए वुड चाहिए होता है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो जल्दी से इसे तोड़ते हैं और इसे प्लैंक को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे प्लैंक को बदलते हैं और चलिए जल्दी से इसका क्राफ्टिंग टेबल से चेस्ट बनाते हैं, जो कि हमारा चैलेंज था कि जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन होंगे वहाँ पे हमें आयरन पका कर हमें उस रिस्पॉन पॉइंट पे चेस्ट रख कर हमें उस चेस्ट में जितना आयरन हम लोग का चैलेंज है 5 आयरन्स का, उस 5 आयरन्स को उस चेस्ट में रखना है। तो चलिए चेस्ट में रख लेते हैं यहाँ करें छुड़िए, और हम लोग फर्नेस को भी तोड़ लेते हैं क्योंकि फर्नेस बाद में भी काम आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फर्नेस टूट चुका है। तो चलिए 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 रास्ते में हमारा रास्ता ये था। तो चलिए जल्दी से, और क्या है कि हमारा सर्वाइवर जहाँ पे हम लोग का रिस्पॉन पॉइंट था हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा जल्दी से। आई थिंक यहाँ से सीधे था और वहाँ जो दिख रहा है वहाँ से हम लोग का लेफ्ट था, यहाँ से हम लोग का शायद लेफ्ट है। हाँ, और वो जो दिख रहा है आपको छोटा सा पहाड़ जैसा इलाका, वो हम लोग का इलाका है जहाँ से हम लोग रिस्पॉन पॉइंट हुए थे, यहाँ के यहाँ साइड जिसके इसके साइड ये, तो यहाँ हमारा रिस्पॉन पॉइंट है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ चेस्ट रखते हैं और यहाँ पे हमारा मिशन पूरा हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।